हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट जारी की थी जिसमें 59 ऐप्स बैन हो चुके थे, उसमें पबजी का नाम क्यों नहीं था। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, पबजी जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम ब्लू होल कंपनी है और वो एक साउथ कोरियन कंपनी है। सेकेंडली, ब्लू होल कंपनी का एक और कंपनी के साथ कोलेब्रेशन है जिसका नाम टेंसेंट कंपनी है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। तो गाइस, चाइनीज़ कंपनी होने के बावजूद भी ये गेम बैन क्यों नहीं हुआ, सो इसका आंसर मैं आपको जल्दी बताऊंगा। सो गाइस, जब पबजी नया नया आया था उसे काफ़ी फेमस गेम हो चुका था। सो जो चाइनीज़ कंपनी थी टेंसेंट, उसने सोचा कि वो ब्लू होल कंपनी के साथ कोलेब्रेशन करे। सो फिर ये कोलेब्रेशन हुआ और पबजी गेम जो है वो चाइना में रिलीज़ हुआ, और इसका जो इनिशियल वहाँ पर जो रिलीज़ हुआ था, सो वो गेम फॉर पीस के नाम से वहाँ पर रिलीज़ है ये पबजी गेम। वहाँ पे पबजी नाम नहीं है इसका गेम फॉर पीस नाम है। सो गाइस, जो मेन बात आती है वो है कि टेंसेंट कंपनी चाइनीज़ कंपनी होने के बावजूद भी ये गेम बैन क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो गेम है वो एंटायरली चाइनीज़ गेम नहीं है, मींस इसमें साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का भी शेयर है और टेंसेंट कंपनी का भी शेयर है। हालाँकि ये बात सच है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी टेंसेंट कंपनी है और काफ़ी लार्ज इसका शेयर है, पर सिंस ये जो ऐप है वो एंटायरली चाइनीज़ नहीं है इसमें, पर जिसमें दो कंपनी मिक्स ऑनरशिप है, इसलिए ये बैन नहीं हुआ। अगर ये कम्प्लीटली चाइनीज़ होता सो ये बैन ज़रूर होता। सो आई होप गाइज यू गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।